ओके दोस्तों, तो अब और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्या बोला है इस क्वेश्चन में? इसमें ये बोला है जो हमारा एक रिएक्शन हो रहा है लाइक दिस। इनिशियली ये 3 मोल है, ये 1 मोल है, इनिशियली ये कुछ नहीं है। इस रिएक्शन का KC4 है, तो कितना मोल एस्टर यानी CH3CO C2H5 वो हमारा प्रोड्यूस होने वाला है, इस चीज का सवाल हमें पूछा गया है। अच्छा, ये वाले रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले ये ध्यान देना दोस्तों, H2O जो है वो हमारा प्रोडक्ट साइड में है, सो दिस का कंसेंट्रेशन हम 1 नहीं मानेंगे, क्योंकि ये हमारा प्योर लिक्विड नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रोडक्ट की तरह ही हमारा ट्रीट होने वाला है। पहले इस बात पे एक बिल्कुल क्लियर कर लो दिमाग को। H2O अगर प्रोडक्ट साइड में है तो सिंपल सी बात है, यहां पर कुछ भी कर लो, राइट, इस पे हम प्योर लिक्विड नहीं मान सकते हैं। सो रिएक्शन क्या हो रहा है, CH3COOH + C2H5OH, ये इक्विलिब्रियम में हमें देता है CH3COO C2H5 + water। अच्छा, इसका डेल्टा एन 0 है, तो वॉल्यूम मैटर नहीं करता है, तो वॉल्यूम नहीं मैटर करता है, तो यहां पर सिंपल सी बात है, जो हमारा मोल्स है उसी को हम सीधा कंसेंट्रेशन मानेंगे, यानी V को हम 1 लीटर मान लेंगे, राइट, क्योंकि डेल्टा एन 0 है तो वॉल्यूम मैटर ही नहीं करता है, वॉल्यूम दे भी नहीं रखा है, फर्क नहीं पड़ता है, हम चुपचाप इसका वॉल्यूम को 1 लीटर मान लेंगे। सो ये है 3, ये है 1, ये है 0, ये है 0, ये है हमारा T=0 का सिनेरियो। तो इक्विलिब्रियम में ये होगा 3 - x, ये होगा 1 - x, ये होगा x, ये होगा x, राइट। तो अब अगर मैं इसको केसी लिखता हूं तो केसी क्या आ जाएगा मेरे पास, x² 1 - x इंटू 3 - x, और वो हमें दे रखा है 4, राइट। सो क्या आ जाएगा मेरे पास, x² = 4 × x² - 4x + 3। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो वही आएगा x² - 4x + 3। सो मेरे पास फाइनल इक्वेशन आएगा 3x² - 16x + 12, दैट इज इक्वल टू 0। तो x मेरे पास क्या आ जाएगा, वही मुझे निकालनी भी है, -b + √b² - 4ac/6। अच्छा, x जो है वो डेफिनेटली मेरा 1 से तो छोटा होना ही पड़ेगा, x जो है वो डेफिनेटली मेरा 1 से छोटा है, तो यहां पर प्लस साइन जो है वो तो इंपॉसिबल सिनेरियो है, तो एज x इज लेस देन 1, तो हम लिखेंगे x = 16। अच्छा, 16² - 12² = कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 × 28, √a² - b² a + b × a - b, तो 4 × 28 आएगा, तो उसमें से मैंने 16 बाहर कर लेता हूं, तो 16 - √7/6, दैट इज 8 - √7/3। अब √7 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लेता हूं, √7 कितना आ जाएगा मेरे पास, अगर मैं √7 निकाल लेता हूं तो 7 4 3 4 लगभग 2.8 के आसपास, लगभग मेरा जो वैल्यू आएगा वो 2.8 के आसपास आएगा, तो ये आ जाएगा 5.6, 8 - 5.6 जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2.4, तो x का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.8, राइट। हाँ, उसे कमी आएगी थोड़ी, सॉरी ज्यादा आएगी, मैंने अप्रोक्सीमेट किया हूं, राइट। तो दैट इज द 6th क्वेश्चन, काफी आसान है, तो चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, एक रिएक्शन दिया हुआ है H2 गैस प्लस सल्फर सॉलिड गिव्स यू H2S गैस। चलो लिख लेते हैं पहले, H2 गैस प्लस सल्फर सॉलिड दे रहा है H2S गैस, और इसका जो Kc है वो है मेरा 8 × 10⁻²। अच्छा भाई तुम्हें ध्यान देना एक चीज, सल्फर मुझे गैस सॉलिड में दिया हुआ है, सल्फर इज इन सॉलिड, सॉरी सल्फर सॉलिड है तो इसका कंसेंट्रेशन हम 1 मानेंगे, तो Kc का जो वैल्यू आएगी Kc विल बी सिंपली इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ H2S बाय कंसेंट्रेशन ऑफ H2। अच्छा सल्फर 2 मोल दिया हुआ है वो किसी काम का नहीं है, द सिंपल रीजन बिंग ये हमारा लिमिटिंग नहीं है और कंसेंट्रेशन तो हम यूनिटी मानेंगे, तो सिंपली जो काम का है वो है हमारा H2 गैस। और बाय द वे यहां पर जो हमारा डेल्टा Ng है वो हमारा जीरो है, यानी डेल्टा N भी हमारा जीरो है, तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर डजंट मैटर। तो सिंपल सी बात है, ये इनिशियली है 0.3, ये इनिशियली है जीरो, ये बाद में होगा 0.3 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स। सो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई 0.3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0.08, राइट? ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0.08। तो हम देख सकते हैं x हमारा काफी छोटा आने वाला है, x जो आएगा वो डेफिनेटली हमारा काफी छोटा आएगा, ठीक है। सो अगर एग्जैक्ट कैलकुलेट कर भी लोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, चलो कर लेते हैं एक बार, फिर मैं तुम लोग एक चीज सिखाता हूं, ठीक है। सॉरी ओके राइट, तो 1.08x इक्वल्स टू 0.024, तो x का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 0.024 बाय 1.08, ये अप्रोक्सीमेटली 0. अगर अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 0.022 टाइप्स आ जाएगा, और अगर हम पहले ही नेग्लेक्ट कर देते x को क्योंकि x छोटा था तो एक्स आता 0.024, ऑब्वियसली बात देख सकते हैं बहुत ज्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं था, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते थे, राइट? खैर अगर एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे तो एक्स जो आएगा वो आएगा मेरे पास 0.022, एंड ध्यान देना ये जो है दैट इज द मोल्स ऑफ H2S, राइट? तो ये हमारा मोल्स ऑफ H2S आ गया। सो प्रेशर जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू एनआरटी बाय वी, दैट इज 0.022, आर आ जाएगा 0.0821, टेम्परेचर देना पड़ेगा, सॉरी हाँ दिया हुआ है हाँ टेम्परेचर कितना है मेरे पास 87 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 360 केल्विन, एंड वॉल्यूम मुझे दिया हुआ है कितना 2 लीटर, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास टोटल प्रेशर जो है वो हमारे पास आ जाएगा, कैलकुलेशन में कर नहीं रहा हूं वो कर लेना, तो यहां से हमें टोटल प्रेशर ऑफ H2S जो है वो हमारा आ जाएगा, राइट? काफी आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगानी है इसमें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है, N2O3 गैस गिव्स यू NO गैस प्लस NO2 गैस, P इक्विलिब्रियम जो है वो है हमारा 1 atm, वेपर डेंसिटी ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इक्वल्स टू 23.75, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kp। ओके दोस्तों पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं, अच्छा भूल जाते हैं इक्विलिब्रियम प्रेशर वगैरह, मान लो
कंसिडर वन मोल N2O3. कंसिडर वन मोल N2O3, राइट? हम ये देखना चाहते हैं जो इसका वेपर डेंसिटी अगर 23.75 है तो N2O3 का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, राइट? सो रिएक्शन क्या है? N2O3 गिव्स यू NO plus NO2, ठीक है? तो ये अगर इनिशियली वन मोल था, ये जीरो था, ये जीरो था, तो ये वन माइनस अल्फा होगा, ये अल्फा होगा, ये अल्फा होगा. मैं अभी कुछ यूज नहीं कर रहा हूं केपीज वगैरह, मैं बस एक मोल लेते हुए मान के चल रहा हूं. अगर एक मोल लेता हूं तो फिर क्या होगा उसके बारे में देख रहा हूं, क्योंकि मुझे इसके करस्पॉन्डिंग सबसे पहले अल्फा तो चाहिए होगी. और वेपर डेंसिटी हम जानते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का आधा होता है. अच्छा, अगर एक मोल N2O3 लिया हो, N2O3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 3 ऑक्सीजन का 48 और 2 नाइट्रोजन का अगर मैं साथ में ऐड कर दे रहा हूं 28, तो 48 प्लस 28 दैट विल बी इक्वल्स टू 76. तो ये वाला एक मोल N2O3 का जो मास है वो है 76 ग्राम. एनो का जो करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है हमारे पास? नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, दैट इज 30. और NO2 का कितना है? 2 ऑक्सीजन का 32 प्लस नाइट्रोजन का 14, तो दैट इज इक्वल्स टू 46. ठीक है दोस्तों. अच्छा, नाउ टोटल मास, टोटल मास जो है वो तो हमारा 76 ग्राम ही रहेगा अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मास. और जो टोटल मोल्स आएगा, और जो हमारा टोटल मोल्स आएगा वो आएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, दैट इज 1 प्लस अल्फा. तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट जो आएगी, that is total mass by total moles, that is 76 by 1 plus alpha, and that will be equals to 23.75 into 2. to mere paas kitna aa jayega? 47.5, right? to mere paas ye aa jayega 47.5. to agar main isko equate karu ab, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 76 बाई 1 प्लस अल्फा 47.5, दैट इज 95 बाई 2. तो 1 प्लस अल्फा मेरे पास आएगा 2 इंटू 76 बाई 95. तो अगर मैं 19 से डिवाइड कर रहा हूं, दिस विल बी इक्वल्स टू 1.6. तो अल्फा जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास 0.6. अल्फा जो आ जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा 0.6. ठीक है दोस्तों. तो अब मेरे पास अल्फा जब आ गया है, तब हम लोग इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करना चालू करते हैं. PCl3 प्लस Cl2, इनिशियली इसका प्रेशर P0 मान लो, ये जीरो है, ये जीरो है, और इक्विलिब्रियम में जो होगा वो होगा P0 इंटू 1 माइनस अल्फा, P0 अल्फा, राइट? तो P इक्विलिब्रियम जो आएगा, दैट विल बी द सम ऑफ टोटल प्रेशर्स, दैट इज इक्वल्स टू P0 इंटू 1 प्लस अल्फा. पहली बात, इन तीनों को ऐड कर दो, और वो हमें 180 दे रखा है. एंड KP जो आएगा, दैट विल बी दिस इंटू दिस बाई दिस, that is equals to P0 alpha square by 1 minus alpha. Okay, दोस्तों, तो ये मेरे पास आ गया है. So KP आएगा, P0 का वैल्यू 1 by 1 plus alpha. So that is alpha square by 1 minus alpha square. तो मेरे पास कितना आ जाएगा?
0.6 का स्क्वायर, 0.6 × 0.6, एंड 1 − 0.36 इज नथिंग बट 0.64, सो दैट विल बी 0.8 × 0.8। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा। हाँ कि ना, समझ में आया दोस्तों, सिंपल सी बात है। सो कितना आ गया, 3/4, 3/4, सो 3/4 × 3/4 इज नथिंग बट 9/16, सो के बाई के पी जो है वो मेरे पास आ जाएगा 9/16 एटीएम। क्लियर, आई होप दिस इज अंडरस्टूड, क्वाइट सिंपल। अरे क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिया हुआ है, A2 गैस प्लस B2 गैस गिव्स यू C2 गैस, क्लोज वेसल्स है, तो A2 का मोल्स में किस तरीके से इंक्रीज करता हूं, मुझे उसके बारे में पूछा गया है। A2 का मोल्स अगर मुझे इंक्रीज करना है तो मुझे रिएक्शन को बैकवर्ड करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 पे एक ही मेन पॉइंट है, NA2 टू बी इंक्रीज्ड। तो इसका सिंपल मतलब यह है, बैकवर्ड हमें रिएक्शन को ड्राइव करना है। तो रिएक्शन को अगर हमें बैकवर्ड ड्राइव करना है तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर डाल रहा हूं तो मैं हीट को प्रोवाइड कर रहा हूं, तो हीट अगर मैं प्रोवाइड कर रहा हूं तो ऑब्वियसली एंडोथर्मिक डायरेक्शन में मूव करेगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सोथर्मिक दिया हुआ है तो बैकवर्ड डायरेक्शन डेफिनेटली एंडोथर्मिक है, तो ऑप्शन ए इज डेफिनेटली करेक्ट। जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा यानी हीट दूंगा, रिएक्शन मेरा बैकवर्ड जाएगा यानी A2 का मोल्स मेरा बढ़ेगा। डिक्रीजिंग प्रेशर, अच्छा प्रेशर अगर मैं डिक्रीज कर रहा हूं तो प्रेशर डिक्रीज करने पर वो मोल नंबर ऑफ गैशियस मोल्स के स्टोइकोमेट्री की तरफ भागेगा। लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन हमारा बैकवर्ड जाएगा और बी ऑप्शन जो है वो हमारा डेफिनेटली करेक्ट है। एडिंग हीलियम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, अच्छा एडिंग अगर हीलियम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे मैं ऐड कर रहा हूं दोस्तों, तो कॉन्स्टेंट प्रेशर में हीलियम को ऐड करने का मतलब क्या है, मुझे डेफिनेटली कंटेनर का वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। तो हीलियम को कॉन्स्टेंट प्रेशर में ऐड करूं या ओवरऑल रिएक्शन मिक्सचर का प्रेशर डिक्रीज करूं, दोनों बात बेसिकली सेम है, सो ऑब्वियसली सी ऑप्शन इज ऑब्वियसली करेक्ट। एंड रिमूविंग सम C2, बकवास, अगर मैं C2 को हटाऊंगा तो डेफिनेटली ये रिएक्शन जो है वो हमारा पागलों की तरह फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगा, तो ये हमारा डेफिनेटली गलत होने वाला है। सो अगर मैं इन तीनों के बारे में सोचूं तो ABC हमारा करेक्ट है, D हमारा डेफिनेटली गलत है। सो ये लाश आतेलिया प्रिंसिपल का एक सिंपल एप्लीकेशन है जो काफी ज्यादा आसान है, हम साफ साफ देख सकते हैं। ओके, और एक क्वेश्चन देखते हैं। LiCl.3NH3 सॉलिड ब्रेक्स एज LiCl.NH3+2 × अमोनिया, ये रिएक्शन हमें दिया हुआ है। LiCl.3NH3 solid + 2 × NH3, ठीक है, ये वाला हमारा गैस है, तो बाकी दोनों सॉलिड है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं पहले KP लिख दे रहा हूं, तो KP इज इक्वल्स टू P of NH3 का होल स्क्वायर, एंड KP का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज इक्वल्स टू 9 ATM square। तो ये वाले रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम में अमोनिया का प्रेशर है दैट इज इक्वल्स टू 3 ATM, जो हमारा अमोनिया का प्रेशर है दैट इज इक्वल्स टू 3 ATM। अच्छा अब 24.63 लीटर का वेसल है और उसके अंदर 1 मोल ये है, तो मैं बाहर से अमोनिया को डाल के ये रिएक्शन को कंप्लीटली बैकवर्ड शिफ्ट करना चाहता हूं, यानी मैं चाहता हूं जो LiCl.NH3 प्रैक्टिकली पूरा कन्वर्ट हो जाए इस वाले रिएक्शन पे। तो दोस्तों ध्यान देना एक चीज,
100% रिएक्शन तो कभी पॉसिबल नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट 99.9999999% यानी रिएक्शन हमारा प्रैक्टिकली पूरी तरीके से बैकवर्ड चले जाए और उसके बाद ये इक्विलिब्रियम मेंटेन हो। अच्छा, इक्विलिब्रियम में इन दोनों का अमाउंट का कोई खेल नहीं है, क्योंकि ये दोनों सॉलिड है तो इन दोनों का कंसंट्रेशन तो हम 1 ही मानने वाले हैं। तो एक बात समझने का ट्राई करो, जो फाइनल इक्विलिब्रियम होगा उसमें भी अमोनिया का प्रेशर जो है वो तो हमारा 3 ATM होना ही पड़ेगा, और ये जो NH3 है ये हमारा फ्री अमोनिया होना चाहिए जो अभी भी कंटेनर के अंदर प्रेजेंट हो, और इसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ मोल्स होगा, फ्री मोल्स बोल रहा हूं मैं, दैट फ्री मोल्स विल बी इक्वल्स टू PV इक्वल्स टू NRT में अप्लाई करूं 3 × 24.63 / 0.0821 × टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, सो टेम्परेचर हमें कुछ मानना पड़ेगा। टेक द टेम्परेचर टू बी इक्वल्स टू 300 Kelvin, सॉरी टेम्परेचर नहीं दिया हुआ था, टेक द टेम्परेचर टू बी 300 Kelvin वो देना पड़ेगा। सो यहां पर मैं इसको 300 Kelvin मान लेता हूं। सो फ्री मोल्स जो है वो हमारे पास इतना होना चाहिए, राइट? सो अगर मैं ध्यान दूं, ये कटेगा 100, ये हो जाएगा 8.21, जब मैं इसको काटूंगा तो फ्री मोल्स ऑफ एमोनिया दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 3। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये रिएक्शन को अगर मुझे पूरा ड्राइव करना पड़ा है तो 1 mole LiCl.NH3 डेफिनेटली 2 mole ammonia को कंज्यूम करके 1 mole LiCl.3NH3 बनाएगा। यानी एक बात समझो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एमोनिया कंज्यूम्ड, क्योंकि रिएक्शन को तो पूरा बैकवर्ड ले जाना पड़ा है, हमें रिएक्शन होने को जस्ट रोकना नहीं है, हमें रिएक्शन को पूरा बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है। तो LiCl.NH3 डेफिनेटली कंज्यूम करेगा 2 mole ammonia को, सो कंज्यूम्ड बाई 1 mole LiCl.NH3 इज इक्वल्स टू 2। तो 2 mole कंज्यूम करने के बाद इक्विलिब्रियम में 3 mole ammonia हमारा फ्री अमोनिया के फॉर्म में होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, मोल्स ऑफ अमोनिया नीडेड टू बी एडेड इज 3 + 2, फ्री प्लस रिएक्टेड दैट इज इक्वल्स टू 5। तो रिएक्शन को पूरा बैकवर्ड फेंकने के लिए हमें 5 mole ammonia बाहर से ऐड करनी पड़ेगी। तो ये कुछ आसान क्वेश्चंस थे, आई होप यहां तक ही समझ में आया होगा, राइट? सो मूविंग ऑन फर्दर, लेट्स सी।